हमारे साथ श्री प्रकाश जी छाबड़ा यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने इस पूरे शिविर का आयोजन किया है और वे ही इस शिविर के मुख्य आयोजक हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस शिविर के संबंध में अपनी बात बताएं। हमने इतने सारे जो इंदौर में और इंदौर के अलावा भी जो बाहर के क्षेत्रों में जो बच्चों के लिए शिविर लगते हैं उनको हमने देखा पहले, और हमने पाया कि ये शिविर पुरानी पद्धति से चल रहे हैं और बच्चों की जो स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत बदल चुका है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सारे साधन उपलब्ध करा के उनको धार्मिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि हम बच्चों को टाट पट्टी पे बिठा के यदि आज ये सोचें कि वे धार्मिक शिक्षा ग्रहण करेंगे तो मुश्किल है। इसके लिए हमको यहाँ पे इंदौर में ही जो दिगंबर जैन समाज के द्वारा जो एक स्कूल का निर्माण हुआ था, उस स्कूल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था। हमने स्कूल वालों से संपर्क किया, स्कूल वालों ने हमको पूरा सहयोग प्रदान किया और उस स्कूल के अंदर सारी जितनी भी स्मार्ट क्लासेस थी और उसके अलावा जो भी स्कूल का जो डाइनिंग हॉल है और भी जो स्कूल का सारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था हमारे पास, क्लासरूम, फर्नीचर वगैरह, वो हमने उपयोग किया और हमने स्कूल की पद्धति के द्वारा स्कूली शिक्षा के पैटर्न पे बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का उपक्रम चालू किया। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और सारी क्लासेस स्मार्ट क्लासेस है, मतलब उनमें प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्टर के अलावा हमने जो प्रेजेंटेशन है वो हर एक क्लास के बनवाए हैं, माने बालबोध 1 से लेकर बालबोध 2, 3, 4, 6 डाला, इन सब के हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल लोगों से तैयार करवाए। वो इतने सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कि उनको प्रोजेक्टर पे देखते ही बच्चों का मन मचलने लगता है। आप देखेंगे कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा के लिए माँ बाप को प्रेरित करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सुबह 5 बजे से बच्चे उठ के और 6 बजे तक बस में बैठ के आते हैं। बच्चे यहाँ आने के लिए मचलते हैं, हमें उनके कुछ नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हमारे पास पूरी एक टेक्निकल टीम है जो सारा बच्चों का डेटा कलेक्ट करती है और ये पता करती है कि इन्होंने क्या क्या पढ़ रखा है ताकि उनको आगे की शिक्षा दी जा सके। हमारे पास हर साल का पूरा डेटा होता है जिससे हम बच्चों ने जो पढ़ रखा है हम वो पुनः ना पढ़ा के उनको आगे की चीज़ पढ़ाते हैं और ये पता करते हैं कि उन बच्चों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से क्या पढ़ाना योग्य रहेगा। हमने टीचर्स को भी पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग दे रखी है, धार्मिक शिक्षा तो उनमें है ही, साथ में टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा भी वो पढ़ा रहे हैं। इसके साथ में हमारे पास में बहुत सारे युवा लोगों की फौज है जो कि बसों की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और बाहर की सारी व्यवस्थाओं को देखती है। इन सब व्यवस्थाओं के कारण ये शिविर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक चलता फिरता स्कूल हो। आदरणीय रमेश निर्मल जी कासलीवाल, सुशील जी गोदा और भी जो सुनील जी शाह, सन्मति स्कूल का पूरा सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। हमारे साथ में और भी हमारे बहुत सारे सहयोगी है, प्रीतेश जी, अखिलेश जी, रितेश जी, जितेन जी, इन सब लोगों के सहयोग के कारण ये शिविर एक सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। धन्यवाद।